गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है फिर से आप सब लोगों का मेरे इस चैनल में। यहाँ पर जो है छोटा छोटा फ्लैग जो है हमने घर पर ही बनाया था और बच्चों को भी लगा दिया है और मैंने भी लगाया है, और थोड़ा बहुत चूड़ियाँ जो है हरी वाली, वाइट वाली और ऑरेंज कलर वाली पहन रखी है, बच्चों ने भी पहना है बैंड वगैरह, और उन दोनों ऐसे थोड़ा बहुत डांस किए थे लेकिन मुझे करना नहीं आता है, कॉपीराइट क्लेम आता है ना, इसलिए मैं उन लोगों का वीडियो नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पर जो है मैंने सुबह सुबह पहले तो उठ गई थी, उसके बाद जो है झाड़ू पोछा ही पहले कर लिया था, उसके बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत बत्ती वत्ती जला के मैं जो है खाना वगैरह जो नाश्ता है वो सब मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा बहुत पूड़ी छान लिया है, बच्चों को भूख भी लग रही थी, और यहाँ पर खीर चढ़ा दिया था, ऐसे सेवई खीर बना रहे हैं, और इसको कम आँच में रख दूँगी, अपने आप होते रहेगा। यहाँ पर जो है मैं मलाई भी डाल दूँगी, दूध कम से कम 1.5 लीटर था तो उसी का मलाई निकाला था। अभी तैयार होने वाला है सेवई खीर, तो मैं लास्ट में मलाई को भी ऐड कर दी हूँ, और स्वादानुसार चीनी वगैरह जो है मैंने डाल दिया है। ऐसे तो हर बार हस्बैंड जी बनाते हैं, इस बार तुम ही बनाओ बोल रहे थे तो मैंने बना दिया है। थोड़ा बहुत पूड़ी मैंने बना दिया है, जब नहीं होगा तो तब बना लेंगे। और आज ऐसे हमने छोले बनाया है, थोड़ा बहुत खाना के साथ भी खा लेंगे करके, थोड़ा ज़्यादा बना दिया है, और पतला ग्रेवी रखा है ऐसे, अभी तो गर्म है, धीरे धीरे ठंडा होते होते और गाढ़ा हो जाता है इसलिए थोड़ा पतला रखा है। और यहाँ बारिश हो रही थी, ये दिन में नाश्ता उश्ता कर लिया था हमने ऐसे, उसके बाद जमाजम बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ धूप हो रहा था, फिर यहाँ हम देखने आ रहे थे कि बारिश हो रही है कि क्या आवाज़ आ रही है करके, इतना गरम गरम धुआं लस्सा लग रहा था, उमस सा, बालकनी में जो है बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहे थे, ऐसे गरम लग रहा था। फिर ऐसे ठंडा तो नहीं, शाम को थोड़ा बहुत हाँ ठंडा ठंडा सा लग रहा था, जब ठंडा हो गया है तब। और सुबह के टाइम तो हम लोगों ने ना थोड़ा बहुत जल्दबाजी में खा लिया था कि डांस करना है, ये करना है, वो करना है, बच्चों को तैयार करना है, ये सब था, तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करके हमने पहले थोड़ा बहुत खा लिया था, और डोली परी दोनों को भी इतना मन नहीं हो रहा था खाने का, तो एक दो ही खा लिए थे उन दोनों जब भूख लग रही थी तब। और यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत डांस वगैरह किए थे और थक गए थे हम ये वो करते करते तो ना यहाँ पर डोले परे दोनों को भी भूख लग गई थी और बोल रहे थे मम्मी भूख लग गई, चलो कुछ खाते हैं। तो पूड़ी तो मैंने हिसाब से बनाया था तो मैं यहाँ पर दोबारा से बना ले रही हूँ, ख़त्म हो गया था पूड़ी, अभी जल्दी से छान लेती हूँ। और डोले ने तो कुछ कुछ मेकअप अपने आप कर लिया था, लिपस्टिक वगैरह लगाना और आई शेडो सब वो अपने आप कर लेती है थोड़ा बहुत, और परी जो है वो नहीं करती है, उसे इतना आता नहीं है। तो एक चीज़ ना हम भूल गए थे, ऐसे लिपस्टिक ना परी ने लगाया नहीं था, ऐसे तो कभी कभार लगा लेती है लेकिन उसने शायद भूल गया ही होगी, तो उसने ना नहीं लगाया था, तो सब कुछ हो गया तब याद आ रहा है, अरे इसने तो लिपस्टिक लगाया ही नहीं करके, फिर हम हंस रहे थे। और जो है हम लाए थे फ्लैग क्या वो चुन्नी जैसा होता है ना साइड में बांधने का, वो भी लेके आए थे ऐसे, वो बांधना भी भूल गए सब कुछ भूल गए थे ऐसे, हस्बैंड जी ने भी याद नहीं दिलाया, डोली परे दोनों ने भी ड्रोवर में रख दिए थे, मैं तो ऐसे सोच रही थी पहना आएंगे, फिर लास्ट में थोड़ा बहुत पहना के फिर फ़ोटो वगैरह ले लिया था, जो मेन चीज़ पहनना था वही तुम दोनों भूल गए करके फिर बोल रहे थे, बात करके हम हंस भी रहे थे। और यहाँ हम थके हुए थे, बस जल्दी जल्दी कर ले रही हूँ, और दिन में जो हमने ऐसे वो खाना नहीं खाया था, यही सब खा लिया था हस्बैंड जी, और हाँ हस्बैंड जी को थोड़ा बहुत दे दिया था छोले चावल, सारे ऐसे फुले फुले बन रहे हैं, मेरा पूरी तैयार हो गया है ऐसे, छोले के साथ जो है डोली परी दोनों को बहुत पसंद है छोले पूरी। कभी हम फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि हस्बैंड जी घर पर ही थे, ऐसे कल इधर उधर कहीं नहीं गए दोस्तों के साथ, ऐसे क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हैं तो हस्बैंड जी थे, तो हस्बैंड जी ने फ़ोटो वगैरह खींच दिया था और डोली परी दोनों के साथ, और डोली परी दोनों पहले तो परेशान हो गए थे, लहंगा जो है उतारने के लिए कर रहे थे, मुझे डांस नहीं करना, ये नहीं करना, गर्मी लग रहा है, ऐसे कर रहे थे, बाद में जो है इन दोनों को अच्छा लगा और थोड़ा बहुत डांस भी किए देश रंगीला रंगीला में, और
डोली ने किया था देश रंगीला रंगीला वाला में, और परी ने किया था हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने उसमें किया था, और लग नहीं रहा था कि ये इतना अच्छा कर पाएगी। बहुत अच्छा से डांस कर लिया था परी ने। और ये रहा हम लोगों का जो है खीर और ट्राई कलर लड्डू निकाल रखे हैं और छोले पूरी। और इसको जो है कटोरी वाला हमने फ्रिज में रखा था, हस्बैंड जी बोल रहे थे फ्रिज में रख दो इसको नॉर्मल करके खाएंगे बोल रहे थे, जो फ्रिज में थोड़ा ठंडा ठंडा सा अच्छा लगता है ऐसे नहीं खाते बोल रहे थे। तो डोली परी दोनों को ना खांसी वांसी हो के करके नॉर्मल वाला ही दिया था, और मैंने भी नॉर्मल वाला ही लिया था। और ये रहा थोड़ा बहुत बचा है, अभी और थोड़ा ठंडा होगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा बहुत ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था मैंने सेवई खीर। और ये रहा छोले भी जो है गाढ़ा हो गया है अब, सुबह तो एकदम पतला पतला सा लग रहा था। और यहाँ पर हम सब खा ले रहे हैं, डोली पारी दोनों को भूख लगी है, खा रहे हैं पूड़ी खीर और पूड़ी पसंद कर रहे थे डोली पारी दोनों तो। और ये जो है शाम का व्लॉग है, यहाँ पर इन लोगों को ना भूख लग रही थी तो इन लोग बोल रहे थे आलू वाला जो पकोड़े होता है वो कद्दूकस करके वो बना दो बोल रहे थे, तो मैंने बोल कर लिया था टमाटर और हरी मिर्च को, उसके बाद मैंने चटनी बनाने के लिए कर दिया था। और ये रहा आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद जो है मैं इसमें अजवाइन थोड़ा सा और जो भी मसाला ऐड करना चाहते हैं वो सब मैं ऐड कर दूँगी, जो भी घर के मसाले हैं, और बेसन ऐड करूँगी। बेसन को ऐसे छान कर ही मिलाना चाहिए, या ऐसे ठीक है इस बारी लेके आए थे बेसन तो मैंने ऐसे छाना नहीं था, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ से ही कर रही थी। और यहाँ पर जो है मैं स्वादानुसार नमक डाल दे रही हूँ, साथ में ही मैं जो भी मसाले हैं वो सब भी डाल दूँगी, गरम मसाला धनिया पाउडर हरी मिर्च को भी काट के मिला सकते हैं, और जिंजर गार्लिक को भी छोटे छोटे बारीक बारीक काट के अच्छा लगता है टेस्ट, और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं जो है लाना भूल गई, और दिन में मुझे आलस आ रहा था दिन क्या शाम को जब बना रहे थे। और यहाँ पर जितना चाहिए मुझे बेसन उतना मैं हिसाब से डाल दे रही हूँ। और ये वाला पकोड़े में ना तेल इतना होता नहीं है, एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है ना पकोड़े तलने के बाद, मतलब कुछ तो तेल तेल सा दिख जाता है ना इसमें, ऐसे इतना होता नहीं है। और ये वाला पकोड़े जो है बहुत पसंद करते हैं बच्चे भी और हस्बैंड जी भी, और चटनी भी बहुत पसंद आया था बच्चों को, चटनी के साथ ही खाए थे। पहले तो तीखा है मिर्ची है ये करते रहते थे, चटपटा सा लग रहा था, बहुत ही स्वाद लग रहा था ऐसे पकोड़े के साथ। ये रहा मैंने सारा कुछ मिला लिया है, अभी जो है बस तलना है। और यहाँ पर जो है मैं गुनगुना तेल थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, जो आलू बैटर बनाया है ना आलू और बेसन के साथ उसमें, और इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम पकोड़े डालेंगे, पकोड़े का जो बैटर बनाया है वो हम डालेंगे। तेल को जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और तेल को मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ, और थोड़ा छोटा साइज बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा साइज भी नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो अंदर इतना पकेगा नहीं, थोड़ा मीडियम मीडियम साइज एकदम अंदर तक क्रंची क्रंची हो जाता है ऐसे। ये रहा छोटा छोटा मीडियम साइज कर ले रही हूँ।
पकोड़े जो है मैंने पूरा बना लिया था, और यहाँ पर मैं ये चटनी जो है ठंडा हो गया है, इसको मैं अभी ग्राइंड कर लेती हूँ। और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था ये वाला चटनी, आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा कैमरा जो है थोड़ा बहुत अलग दिख रहा है कैमरा में, ऐसे जो ये कलर है उसका नहीं दिख रहा। और ये रहा तैयार हो गया है पकौड़े। वीडियो यहीं तक का था फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मेरे चैनल पर अगर कोई भी नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।